नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेटी की विदाई से पहले मां हमेशा के लिए रुखसत, शादी की खुशियां मातम में बदली। कोट चौराहे के पास रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौके पर मौत, दो दिन बाद होनी थी बेटी की शादी। पुलिस की कार्रवाई ढीली होने से लेक सिटी में चोरों के हौसले बुलंद। एक साल पहले हुई चोरी के आरोपी गिरफ्त से दूर और अब फिर रात के अंधेरे में मकानों को बना रहे निशाना। विजिबिलिटी कम होने से डबोक एयरपोर्ट पर सोमवार को कोई फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई, दोपहर बाद सभी उड़ानें निरस्त। और बरसाती नाले में मिला युवक का शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेटी की विदाई से पहले मां के हमेशा के लिए रुखसत होने और शादी की खुशियां मातम में बदलने की। उदयपुर में कोट चौराहे के पास सोमवार सुबह एक रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रोडवेज चालक की लापरवाही से जिस घर में दो दिन बाद शहनाई बजनी थी, सोमवार को उसमें चीखें गूंजने लगी। दो दिन बाद होने वाली बेटी की शादी की खरीदारी के लिए भुमाड़ा निवासी लोगर डांगी और उनकी पत्नी धन्नीबाई कोट चौराहे होते हुए मंडी की ओर जा रहे थे, तभी कलेक्टर बंगले के आगे हनुमान मंदिर के बाहर यह हादसा हुआ। बस ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी, टक्कर से लोगर डांगी उछलकर दूसरी ओर गिर गए, जबकि उनकी पत्नी धन्नीबाई बस के आगे वाले हिस्से के नीचे फंस गई। इसके बाद बस नहीं रुकी और बाइक को घसीटते हुए 15 फीट तक दूर ले गई। इसी दौरान बस का पिछला टायर महिला के ऊपर से निकल गया और कुचल जाने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और डिवाइडर को हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने भी नारेबाजी की। वहीं डांगी समाज के लोग भी मौके पर जमा हो गए और शव उठाने से इनकार करते हुए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। करीब एक घंटे तक चली इस गहमा गहमी के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश करते रहे। बाद में एडीएम प्रभा गौतम और सिटी एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने परिजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। इसके बाद परिजनों ने शव को उठाने दिया। रोडवेज डिपो के प्रबंधक महेश उपाध्याय के साथ ही हाथीपोल और भोपालपुरा थाना पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। कहां से आ रहे थे सर आप? मैं सिटी जा रहा था, माल घर में शादी है इसलिए। किसकी शादी थी? मेरे बच्चे की शादी है सर। कहां जा रहे थे आप? मंडी में जा रहा था। कैसे हुआ हादसा? पीछे से लगा मारी सा, पता नहीं चला मेरे को, पीछे से लगा, आगे चल रहा था मेरे को, ये देखा तो मिसेज माता फूट गया साहब, देखा तो जिंदगी खत्म हो गई मेरी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई भगवान। कहां के रहने वाले हैं? प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार तो रात का तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे चला जाता है। इस कड़ाके की ठंड में पुलिस सुस्त और अपराधी चुस्त हो गए हैं। शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में कुछ दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर अपराधियों के हौसले बुलंद है और अब कड़कती ठंड के बीच रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शहर के सेक्टर 3 स्थित कपिल विहार कॉलोनी में आए दिन मकानों के ताले टूट रहे हैं। कपिल विहार निवासी रोहित पुजारी और गरिमा संध्या पुजारी के घर बीती रात 3 बजे हथियारों से लैस होकर चोर आए और दीवार फांद कर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सभी दरवाजे बंद होने की वजह से अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसके बाद चोरों ने घर के सामने बने ऑफिस को अपना निशाना बनाया और ताला तोड़ दिया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। हालांकि अलार्म बजने और लोगों के जागने से चोर भाग गए और चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। गरिमा ने बताया कि पहले भी उनके यहां चोरियां हुई हैं, जिसके मुकदमे प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी वजह से चोरों के हौसले बुलंद है। कुछ समय पहले पड़ोस में भी एक बाइक चोरी हुई थी, जिसके सीसीटीवी भी पुलिस को उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन अब तक चोर पुलिस गिरफ्त से दूर है।
रात के अंधेरे में मकानों को निशाना बनाने वाले चोरों से आम जनता खौफ में है और पुलिस की रात्रि गश्त पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम गरिमा रोहित पुजारी है। ये मेरा घर है कपिल विहार कॉलोनी 13। यहाँ पे रिसेंटली अभी चोरों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहा है। हम नॉर्मली रिकॉर्डिंग चेक नहीं करते हैं, लेकिन इस बार घर में कूदे हैं चोर तो हमने रिकॉर्डिंग चेक करी है, क्योंकि हमारे घर के साथ साथ हमारे सामने के साथ जो गार्डन है उसका भी उन्होंने लॉक तोड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ घर पे रहते हैं और साथ में वो लोग कभी हासली, कभी सरिया और इस तरह के घातक हथियार लेके आते हैं। बाय चांस अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारी जान को भी खतरा है और हम लोग यहाँ डर के साए में रह रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले दो बार भी हमारे यहाँ, दो तीन बार हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है और इसकी हमने पुलिस में लिखित में सूचना भी दी है, लेकिन उन्हों की तरफ से हमें कोई रिसिप्ट नहीं दी गई, ना आगे कोई कार्रवाई हुई। इसी कारण से चोरों का हौसला है जो यहाँ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले खाली जगहों पे करते थे, अभी घरों के अंदर तक कूदने लग गए हैं। और पिछली चोरी कब हुई थी आपकी? लगभग एक साल पहले, तब भी हमने पुलिस के अंदर रिपोर्ट दी थी, उनकी तरफ से हमें कोई भी रिसिप्ट नहीं मिली। और उसी के 4-5 महीने पहले भी हमारे यहाँ पे एक बार चोरी हो चुकी है, जिसके अंदर भी हमने लिखित में पुलिस को दिया था, लेकिन उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर में विविध आयोजन हुए। विद्यानिकेतन स्कूल की विभिन्न शाखाओं में पथ संचलन किया गया। मावली में थाना प्रभारी अजय सिंह राव ने ओम पताका फहराकर, तो वहीं कानोड़ में महेंद्र जोशी ने भगवा पताका फहराकर पथ संचलन का आगाज किया। कानोड़ में पथ संचलन के दौरान महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। नगर के मुख्य मार्ग से गुजरता हुआ संचलन घोष के साथ कदम से कदम मिलाता नरसिंह वाटिका पहुंचा। वहीं मावली में विद्यालय परिसर से मुख्य चौराहा, गैंगहट चौराहा, पुराना बस स्टैंड, मुख्य बाजार, उदयपुर रोड और गायत्री नगर होकर यह संचलन विद्यालय पहुंचा, जिसका मावली व्यापार मंडल ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अनुष्का प्रीमियर लीग 2023 का समापन रविवार को हुआ। अनुष्का ग्रुप द्वारा 2 दिनों तक क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन समेत कई खेलों का आयोजन किया गया। क्रिकेट में अनुष्का ग्रुप की 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल में बीकानेरी बुल्स ने उदयपुर उस्ताद को हराकर अप्रैल 2023 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं खोखो मैच तूफान टीम ने जीता। संस्थान के निदेशक राजीव सुराणा ने बताया कि प्रतियोगिताओं में 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी छात्रों की मजबूती के लिए संस्थान द्वारा समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़े। समापन के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. बैरवा, अनुष्का ग्रुप के संस्थापक एस.एस. सुराणा, कमला सुराणा सहित अनुष्का ग्रुप के पदाधिकारी मौजूद थे। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी एवं मेडल्स दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी सुरक्षा बल के साथ अजमेर के पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। ब्रह्मा मंदिर पहुंचने पर विधायक सुरेश सिंह रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए और आरती की। इस दौरान उनका ब्रह्मा मंदिर के पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट करके और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रह्मा जी से जोशीमठ में आई आपदा को शीघ्र समाप्त करने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड सरकार अथक प्रयास कर रही है। अब तक 270 परिवारों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इस दौरान SDM सुखाराम पिंडेल, CO ग्रामीण इस्लाम खान और CI डॉक्टर रविश सामरिया भी साथ में थे। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर देखने को मिली। मुख्यमंत्री धामी के आने से पूर्व मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रवेश बंद कर दिए गए और उनके जाने के बाद दर्शन के लिए प्रवेश दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लग गई। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभागार में सभापति संदीप शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बजट बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। करीब 1.5 घंटे की बैठक में आधे घंटे ही चर्चा हो पाई। पहली बार महिला पार्षद भी अपने अपने एजेंडे को लेकर एक दूसरे से उलझती नजर आई। हालांकि सभापति ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ भाजपा पार्षद बैठक छोड़कर चले गए। बाद में कांग्रेस पार्षदों द्वारा बजट पारित किया गया। नगर परिषद द्वारा शहर के विकास के लिए 202 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए 50 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का ऐलान किया। आयुक्त रविंद्र कुमार यादव द्वारा बैठक का एजेंडा रखा गया। चर्चा के बीच नेता प्रतिपक्ष सुरेश झंवर के नेतृत्व में
भाजपा पार्षद अपनी सीटों पर खड़े हो गए और अपनी बात रखने लगे। उनका कहना था कि पहले हमारी बात सुनी जाए, जबकि सभापति का कहना था कि एजेंडे के अनुसार चर्चा के बाद उनकी बात सुनी जाएगी। इसे लेकर भाजपा पार्षद नाराज हो गए और तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ डाइस पर पहुंच गए। करीब 15 से 20 मिनट तक नारेबाजी के बीच कांग्रेस पार्षद भी उखड़ गए और दोनों ही दलों के पार्षद एक दूसरे के सामने आ गए तथा एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष छोटू सिंह द्वारा पार्षद विजय चौहान के खिलाफ जान से मारने की धमकी दी जाने की कोतवाली में रिपोर्ट दी गई। उनका आरोप था कि उन्हें घर पर आकर मारने के साथ SC ST केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। टेंट में बैठक करके आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन इनके पास बोर्ड में देने के लिए कोई दस्तावेज इनके पास मौजूद नहीं है कि जो इनके आरोपों की सत्यता को सिद्ध करे। इसलिए इनको इनके आला कमान का निर्देश यही था कि किसी भी प्रकार से तुम्हें इस बैठक का बहिष्कार करके कोई बहाना बना के बैठक छोड़नी है। उनका जो आज जो व्यवहार था, आज हमने बैठक में जो शहर के हित के इतने अच्छे अच्छे प्रस्ताव हम लाए हैं, जो बजट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नगर परिषद का वर्ष पर्यंत संचालन करने के लिए, वो बजट आज पेश होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के जो भी पार्षद थे, बहुत दुख की बात है कि उन पार्षदों ने इस प्रकार का रवैया शुरू से अख्तियार रखा और इन्होंने ये बैठक छोड़ दी। आज हमने इस बैठक में 202.50 लाख रुपए का जो प्रस्ताव है, 202.50 करोड़ प्रस्ताव हमने आज की इस बजट बैठक में शहर के लिए स्वीकृत किया है, जिससे हम पूरे चित्तौड़गढ़ शहर का चहुंमुखी विकास कराएंगे। मैंने बैठक कार्यों के दौरान आप सबके सम्मुख वार्ड वाइज भी आपने रखे हैं, जो ये लोग बाहर आरोप लगाते हैं भेदभाव का, मुझे बहुत दुख हुआ। वो इस बोर्ड बैठक में मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम लोग मर्यादित हैं। जब मैंने एक भारतीय जनता पार्टी का परसों के बैठक का एक वीडियो सुना, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद माननीय पूर्ण राणा जी उस वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर सभापति की माँ ने दूध पिलाया है तो शहर का विकास करें। मैं कहना चाहूँगा, हमारे लिए तो सभी भाजपा के पार्षदों की माता जी वंदनीय है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और सम्मान उन सबका नाम लेता हूं। अगर एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ऐसी अमर्यादित बात कर रहा है और वहां सारे भाजपा के नेता बैठे हैं, तो सभापति संदीप शर्मा की माँ के दूध की तासीर ही है जो मैं इस बोर्ड का संचालन कर रहा हूं और सब साथियों के सहयोग से हमने जो शहर का विकास किया है वो हमारे माता पिता का आशीर्वाद और हमारे माँ के दूध की तासीर ही है। ये लोग इस प्रकार के अमर्यादित हैं, अमर्यादित भाषा के लोग प्रयोग करते हैं। आज बोर्ड में भी इन्होंने इसी प्रकार की हरकत की। मैं बराबर श्री छोटू सिंह की शेखावत से निवेदन कर रहा था कि आप शालीनता रखिए, आपकी बात कहिए, मैं आपके हर मुद्दे पे हर बात को सुनूंगा, लेकिन चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पूरी तरह से मुद्दा विहीन थे, इसलिए उन्होंने आज ये विवाद पैदा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने शहर के विकास के साथ साथ आज हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा, भव्य प्रतिमा चित्तौड़ में लगाए जाने का निर्णय बोर्ड के सभी साथियों ने लिया है, इसके लिए हमने 50 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। अतिशीघ्र हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे और जो चित्तौड़ का जो गौरव है महाराणा प्रताप के नाम से, गौरव निश्चित तौर से और बढ़ेगा। धन्यवाद। उदयपुर में नेशनल डॉक्टर्स T20 ब्लास्ट सीजन 2 के पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले। डॉक्टर राहुल मंगर और डॉक्टर मनीष धनकर ने बताया कि पहले दिन का पहला मैच टीम अनंता एवेंजर्स उदयपुर और अजमेर सुपर जॉइंट्स के बीच हुआ, जिसमें अनंता एवेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन का लक्ष्य दिया। डॉक्टर प्रांजल शुक्ला ने 79 और डॉक्टर अधीर यादव ने 56 रन की शानदार पारियां खेली, जिसके जवाब में अजमेर सुपर जॉइंट्स 138 रन ही जुटा पाई। डॉक्टर पवन टोड़ी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। डॉक्टर अधीर को 56 रन की पारी व गेंदबाजी में 1 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दूसरे मैच में टीम वेस्ट टाउन पैंथर्स दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का लक्ष्य दिया, जिसको टीम सौराष्ट्र किंग ने मैन ऑफ द मैच डॉक्टर अर्शद की 55 रन की पारी की बदौलत
12.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। सौराष्ट्र किंग के लिए डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर जिग्नेश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्रमश 3 व 2 विकेट चटकाए। दिन का तीसरा मैच टीम सुपर स्पार्टन मथुरा व जयपुर रैप्टर के बीच हुआ, जिसमें डॉक्टर हरेंद्र के 31 रन की मदद से सुपर स्पार्टन ने पहले खेलते हुए 125 रन का लक्ष्य दिया। जयपुर रैप्टर्स ने डॉक्टर इशरान व डॉक्टर महेंद्र की अर्धशतकीय पारियों की मदद से बिना विकेट खोए सिर्फ 11.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। उदयपुर जिले के सांवलिया जी कस्बे के बरसाती नाले में युवक का शव पड़ा मिला। मदफिया सांवलिया जी पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जानकारी के अनुसार सांवलिया जी कस्बे से आवरी माता रोड पर स्थित मोक्षधाम के पास वाले बरसाती नाले में एक युवक के शव होने की सूचना राहगीरों के द्वारा लोगों को दी गई। सूचना पर पुलिस थाना मंडफिया सांवलिया जी के थाना अधिकारी उप निरीक्षक ओम सिंह चुंडावत व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों की सहायता से युवक के शव को नाले से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां मृतक की शिनाख्त सांवलिया जी निवासी जाहिद हुसैन पुत्र बगदाद हुसैन के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक जाहिद पिछले 2 दिनों से मोटरसाइकिल सहित घर पर नहीं पहुंचा था। पुलिस ने शव निकालने के बाद बरसाती नाले में मोटरसाइकिल की भी तलाश करी, मोटरसाइकिल को भी पानी से बाहर निकलवाया। पुलिस ने मौका पर्चा बनाकर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस का मानना है कि प्रथम दृष्टया मोटरसाइकिल सहित युवक के नाले में गिर जाने व पानी में पौधों में उलझने से उसकी मौत हुई। मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़ ने सोमवार को सिटी पैलेस से उदयपुर में एयरटेल 5G सेवा की शुरुआत की। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़ ने बताया कि उदयपुर में 5G की शुरुआत होना उदयपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर के नागरिकों के साथ ही पर्यटक भी 5G की सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही IT और SI भी 5G के साथ बेहतर कार्य करेंगे। इसके साथ ही मेवाड़ ने सिटी पैलेस के ऐतिहासिक माणक चौक से एयरटेल की बाइक रैली को फ्लैग दिखाकर रवाना किया। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में गिनी जाने वाली भारतीय एयरटेल लगातार अपने 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही है। एयरटेल ने अब तक उदयपुर के साथ ही 30 से अधिक शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। एयरटेल 5G प्लस के लॉन्च होने के साथ ही एक सहज कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है, जिससे उन्हें सुपर फास्ट हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, फोटो और वीडियो के तत्काल अपलोडिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। भारतीय एयरटेल राजस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मारुत दिलावरी ने बताया कि उदयपुर के कस्टमर्स अब तक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का अनुभव कर सकते हैं। 4G की तुलना में अब 5G 20 से 30 गुना तक तेजी से गति का आनंद ले सकते हैं। इससे ग्राहकों को सुपर फास्ट एक्सेस का आनंद मिलता है और साथ ही वे हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, चैटिंग, फोटो के तत्काल अपलोडिंग जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। उदयपुर में एयरटेल 5G पुराने शहर क्षेत्र, फतेह सागर झील, हिरणमगरी, गोवर्धन विलास, मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, सुखेर, बड़गांव, बेदला और ट्रांसपोर्ट नगर के निवासियों को एयरटेल 5G सर्विस मिलेगी। नागौर जिले के थावला कस्बे के किसान चौराहे पर स्थित मंगलम ITI कॉलेज में विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा कौशल सप्ताह के तहत कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर भगवती प्रसाद ने बताया कि इस प्रदर्शनी के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा विभिन्न तकनीकी व विद्युत से संबंधित वर्किंग मॉडल व पोस्टर प्रदर्शित किए गए। प्रशिक्षणार्थियों ने बनाए गए मॉडलों का दैनिक जीवन में प्रायोगिक रूप से उपयोग तथा जागरूकता के बारे में बताया। पोस्टर के माध्यम से विभिन्न वर्तमान ज्वलंत मुद्दे जैसे बेटी बचाओ, जल ही जीवन, कोरोना जागरूकता, वृक्षारोपण, बाल श्रमिक मुक्त भारत सहित कई तकनीकी से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किए। आसपास के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं व स्टाफ ने संस्थान की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आज मंगलम ITM केंद्र के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया था, जिसके अंदर हमने निरीक्षण के लिए वहाँ के लिए गई के साथ में और यहाँ प्रदर्शन देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आगे जाकर सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं श्यामलाल मुख्य विकास सलाहकार।
रामनिवास कुमावत है, मैं इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में आज युवा राष्ट्रीय युवा कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें अनेक स्कूलों ने यहाँ पर भाग लिया है। मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक रोड लाइट का मॉडल बनाया है और पोस्टर भी बनाया है, यानी चाइल्ड लेबर का, यानी बच्चों को 14 साल से पहले के उम्र के बच्चों को दुकानों पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई होटल पर रखता है अनेक प्रकार के, उसको चाइल्ड लेबर के कहते हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैंने आज हमारे संस्था के अंदर युवा कौशल प्रदर्शनी रखी गई है उस, और यहाँ पे हमने अनेक प्रकार के मॉडल बनाए हैं। हमने सीढ़ियों, हमने गोदाम की वायरिंग एंड घर के कनेक्शन के लिए बारे में बताया गया है। और ये है, मैं क्लास सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे यहाँ पे कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मैंने भी उसमें पार्ट लिया है। मैंने उसमें सीढ़ियों की वायरिंग बनाई है। मैं हनुमान सरपंच थावला, आज मैं यहाँ मंगलम आईटी कॉलेज में यहाँ आया और यहाँ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाए और बच्चों को बहुत सारे उत्साह देख कर मैं भी खुश हुआ और बच्चों का जज्बा बहुत अच्छा है और ये बच्चे बहुत अच्छे आगे जाएंगे और मंगलम आईटीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवती प्रसाद, प्राचार्य मंगलम आईटीआई कॉलेज थावला। आज हमारे संस्थान मंगलम आईटीआई कॉलेज में जो हमारे तकनीकी विभाग है उसके द्वारा निर्देश थे कि कौशल प्रदर्शनी का आयोजन जैसे प्रतिवर्ष किया जाता है वैसे ही किया जाए, तो हमने विभाग के निर्देशानुसार युवा कौशल सप्ताह प्रदर्शनी जो है हमारे संस्थान में लगाई गई। संस्थान के जो प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के पोस्टर, जो लेटेस्ट इश्यू आ रहे हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर को लेकर या वाटर सेव को लेकर, तो विभिन्न प्रकार के जो पहलू है उनको पोस्टर के अंदर दर्शाने का प्रयास किया है। साथ में इलेक्ट्रिकल के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल है, क्रेन है, उसके अलावा कोई हाइड्रोलिक सिस्टम बना रहा है या विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो उनको मॉडल के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है और विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण आसपास के जो स्कूल हैं उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है और सभी बच्चों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है, मेहनत करी है, धन्यवाद। जैसे आपको जानकारी है कि मंगलम आईटी जो सेंटर है वो काफ़ी लंबे समय से थावला में कार्यरत है और यहाँ से निकले हुए टेक्नीशियन काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं। मेरे साथ में एक बालिका खड़ी है, प्रियंका मौर्या। मैं आप सभी के लिए ये संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में कभी भी ऐसा डिसाइड नहीं करें कि हमारी बच्ची कुछ नहीं कर सकती है। इतने लड़कों के बीच में मात्र एक लड़की है, प्रियंका मौर्या, जो डूंगरिया कड़ेल से बिलोंग करती है और इसकी ऐसी इच्छा है कि मैं भी एक टेक्नीशियन बनूं और एक इलेक्ट्रिक इसमें आगे जाके बहुत बड़ा नाम करूं। तो इसको देख के आप लोग प्रेरणा लें, अपने बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भेजें, इस प्रकार की पढ़ाई करवाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आने वाले भारत का एक सुनहरा भविष्य बन सके। उदयपुर के टाउन हॉल प्रांगण में चल रहे 10 दिवसीय राज्यविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में रविवार को दिव्य ट्राइब की ओर से वुमन एम्पावरमेंट थीम पर देश के विभिन्न राज्यों से आए आर्टिजन्स के उत्पादों को पधारो सा फैशन शो के माध्यम से बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। दिव्य ट्राइब की डायरेक्टर दिव्यानी कटारा ने बताया कि यह पहली बार था जब फैशन शो में कोई प्रोफेशनल मॉडल ने वॉक नहीं करके उदयपुर के एससी एसटी हॉस्टल के युवक युवतियों ने विभिन्न परिधानों के साथ आर्टिजन्स के कई महीनों से बने उत्पादों को रैंप पर प्रदर्शित किया। फैशन शो में युवतियों ने पश्चिम बंगाल व हरियाणा की साड़ियां, महाराष्ट्र व बिहार के बैग और ज्वेलरी, भरतपुर व बाड़मेर का दुपट्टा, राजसमंद का नेकलेस, छतरपुर का शॉल, जयपुर के पर्स, जम्मू कश्मीर का पोचू, कोलकाता के झुमके पहनकर रैंप वॉक किया। तो वहीं युवकों ने बाड़मेर और झालावाड़ के कुर्ता व कोटी पहनकर उत्पादों को प्रदर्शित किया। डीपीएम अनिल पहाड़िया ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एवं जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में 13 राज्यों सहित राजस्थान के सभी जिलों की कुल 120 स्टॉल्स लगी है। रविवार का दिन होने से मेले में शहरवासियों की खासी भीड़ रही, साथ ही फैशन शो के विशेष आकर्षण को शहरवासियों ने खासा पसंद किया। इस दौरान कथक आश्रम की बालिकाओं द्वारा पधारो महारे देश सॉन्ग पर 13 ताली नृत्य भी किया गया। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी कम होने के कारण जयपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई।
सारी फ्लाइट्स को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों की काफी भीड़ हो गई। बाद में दोपहर 2 बजे बाद एयरलाइंस ने सारी उड़ानों को रद्द कर दिया। राजस्थान में रविवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर प्रदेश भर में देखने को मिला। इसी कारण दिन भर बादल छाए रहे। इससे एक बार फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को दिन भर घना कोहरा छाया रहा। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण अधिकतर फ्लाइट डायवर्ट की गई और कई फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी कम होने के कारण जयपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से कोई भी फ्लाइट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। सारी फ्लाइट्स को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया था। एयरपोर्ट पर यात्रियों की काफी भीड़ हो गई थी। मैं हूँ महाराणा प्रताप उदयपुर एयरपोर्ट पर, और यहाँ की जो हमारी फ्लाइट थी वो डिले हो चुकी है। हैदराबाद जाना था मुझे, और वो डिले इस वजह से हुई क्योंकि वेदर कंडीशन जो है अभी अच्छी नहीं है। मौसम के हालात को देखते हुए जो फ्लाइट है वो सारी कैंसिल कर दी गई है, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या कहीं की भी हो। और यहाँ से अभी जो है हमें भेजा जा रहा है बस में अहमदाबाद, फिर वहाँ से जिस जिसकी जो फ्लाइट है और वो फ्लाइटें कनेक्ट कर देगी जहाँ पे आपको जाना है। जैसे मुझे हैदराबाद जाना था, यहाँ से अहमदाबाद बस में, फिर मैं जाऊँगा हैदराबाद फ्लाइट में। तो ये है यहाँ का पूरा सीन। अभी जो एविएशन वाले हैं या जो एयरलाइन वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकते। 2 दिन तक का भी इनके पता नहीं है, क्योंकि वेदर की कंडीशन आपको भी पता है उदयपुर में अभी ठीक नहीं चल रही है। तो 2 दिन तक अगर आप फ्लाइट्स लेते हैं तो ध्यान से बुक करिएगा, और हो सके तो राजस्थान या उदयपुर के बाहर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मौसम के देखते हुए तो अभी फ्लाइट्स ना करें तो देख लीजिए जो भी आपको ठीक है। पुष्कर के निर्मल आश्रम में 5 दिवसीय राधा, माधव और शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आश्रम के महंत डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद के सानिध्य में यजमान सुभाष सोनी और राकेश शर्मा ने सपत्नीक शरीक होकर मंत्रोच्चार के साथ हवन, पूजन और अखंड पाठ किया। डॉक्टर स्वामी ने बताया कि सर्व समाज के सहयोग से निर्मलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अब मंदिर में राधा, माधव और शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान हवन, पूजन, रुद्राभिषेक, संत सम्मेलन समेत अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें साधु संतों के लिए सुबह शाम भंडारा प्रसादी भी की जाएगी। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान रविवार को संत सम्मेलन में बड़ी संख्या में संत महात्माओं और डॉक्टर स्वामी के अनुयायियों ने भाग लिया। सम्मेलन में सनातन धर्म के संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा की गई। साथ ही विश्वविख्यात जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में सरकारी प्रबंधन को अनुचित बताते हुए अखाड़ा परंपरा अनुसार योग्य सन्यासी संत को महंत बनाने पर विचार किया गया। निर्मल आश्रम पुष्कर के प्रांगण में प्राचीन मंदिर था, जो कम से कम काफी पुराना था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और मूर्तियां खंडित हो गई थी। इसमें मूर्तियों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं और मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। यह कार्यक्रम 22 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक चलेगा। मंदिर के प्रांगण में पूरे देश से विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख साधु संत एवं विद्वान ब्राह्मण जन, विद्युत आचार्य, हवन, संत सम्मेलन और नित्य प्रसादी साधुओं का भंडारा, भक्तों का भंडारा एवं भजन संध्या, सुंदरकांड का पाठ, ये नित्य प्रति के कार्यक्रम है। ठीक, आपका नाम गुरु जी? मेरा नाम महंत डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद, निर्मल आश्रम पुष्कर। चलते चलते फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेटी की विदाई से पहले माँ हमेशा के लिए रुखसत, शादी की खुशियां मातम में बदली। कोट चौराहे के पास रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौके पर मौत, 2 दिन बाद होनी थी बेटी की शादी। पुलिस की कार्रवाई ढीली होने से लेक सिटी में चोरों के हौसले बुलंद। 1 साल पहले हुई चोरी के आरोपी गिरफ्त से दूर, और अब फिर रात के अंधेरे में मकानों को बना रहे निशाना। विजिबिलिटी कम होने से डबोक एयरपोर्ट पर सोमवार को कोई फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। दोपहर बाद सभी उड़ानें निरस्त।
और बरसाती नाले में मिला युवक का शव, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को, और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। और हाँ, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।